चाहती है ना इसे, आप रखें इसे अपने पास। मैं अपनी बेटी को लेके अमेरिका जा रही हूँ, और अगर तुम्हें हमारी जरूरत हुई तो वाइंड अप करके अमेरिका आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब, दिस इज खावर। अरे करते उनके नौकर हैं, वो तो आराम से बैठ के हुक्म चलाते हैं। बट उनकी ना तौलियों की फैक्ट्री है अपनी। वो सिर्फ हिसाब किताब के टीचर थे, उन्होंने बड़े तरीके से हिसाब किताब लगाया हुआ था अपनी बेटी की खुशियों का, और उस पूरी कैलकुलेशन में मेरी औकात सिर्फ एक सिफर की थी। बात की तुमने माया से? मैंने तो कर ली है, लेकिन आप अपने तौर पे कर लें। बाबा केक बनाया मैंने। बिस्मिल्लाह। खा के देखें। ये मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया? जी मैंने खुद बनाया। मुझे लगता है अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रह गया, मैं चेक के बता दूं। वाह वाह क्या, मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया भाई। अच्छा दिखाए। ये लाओ ना, बैठो मेरे पास। सारा दिन कितना काम करती हो तुम, आज से मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी। बस भाई थोड़े दिनों की तो मेहमान हो तुम हमारे। वो तुम्हारी माँ ने रिश्ते बारे बात तो की होगी तुमसे, फिर क्या राय है बेटा तुम्हारी? जहाँ आपकी खुशी है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम बाप की रजा में राजी हुई, अल्लाह तुमसे राजी हो, अल्लाह ताला तुम्हें हर वो खुशी दे जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। बेटा तुम्हारा शौहर सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में ढेर कर दे, तुम्हारी कोई ख्वाहिश कभी हसरत ना बने। मुझ जैसी हैसियत का बाप बेटा उसे दुआएं दे सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा, मुझे आपसे कोई शिकायत कोई गिला नहीं है, और होगा भी क्यों, शहजादियों की तरह रखा आपने हमें। इसीलिए तो शहजादे की तलाश में था जो तबरेज की शक्ल में मुझे मिल गया। माशाल्लाह क्या पर्सनैलिटी है उसकी, जो भी देखे मरोह हो जाए। और उसकी तरबियत ऐसी कि अश अश कर उठे इंसान। सच तो ये है बेटा कि जो मैंने चाहा था ना तुम्हारे लिए, अल्लाह ने उसे कहीं बढ़कर दिया है। तुम देखना बेटा, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी जुबान ना दुआएं देते देते थक जाएगी। सबसे आखिर में तैयार होने वाली खातून आज सबसे पहले तैयार खड़ी हुई है। लगता है बहू को देखने की बहुत जल्दी है। बहू को देखने की नहीं, बहू को लाने की जल्दी है। बशर्ते कि हमारा बेटा वक्त पे तैयार हो जाए। आप दोनों का बेटा बिल्कुल तैयार है, मैं तैयार होऊंगा तो बात आगे बढ़ेगी। अब अल्लाह से दुआ है कि आज ही सब कुछ तय हो जाए। भाई अब यहीं खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, चलकर आगे बात बढ़ाएं? हाँ हाँ बहुत वक्त जाया हो गया, चलना चाहिए। लेकिन एक बात है, मैं आप दोनों को बता दूं, अगर मुझे लड़की और घर वाले पसंद आ गए ना तो मैं अंगूठी पहना कर ही आऊंगी। मंजूर है? मुझे तो मंजूर। और सिर्फ अंगूठी ही नहीं, दिन और तारीख भी पक्की करके आऊंगी। कोई इतराज? ये प्रोजेक्ट आपके नाम, अब चलें। सो लेट्स गो। आइए लेट्स गो।
यहाँ फाटक से मुड़ गए हैं ना जी, सीधा सीधा आ जाइए, वहां से सीधा आगे आएंगे तो आपके बाएं जानिब मस्जिद हरमैन है। कितनी प्यारी है, चांद का टुकड़ा। क्यों खावर साहब? मुझसे क्या पूछ रही हैं? साहबजादे से पूछिए। इजाजत है? मेरी तरफ से तो इजाजत है भाई, इजाजत है अंगूठी पहनाने की। मुझे लगता है इजाजत अमानत है आपकी बहन जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेटी इतनी प्यारी है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं लेके जा रही हूँ अपनी अमानत। आपके ज़हन में कब तक है बहन जी? बस एक महीने के अंदर अंदर। एक महीने? तो ये तो बहुत कम टाइम नहीं जी? एक महीना तो बहुत कम है, आपको तो पता ही है लड़कियों के जहेज में थोड़ा सा तो वक्त लगता है ना। बहन आप बिल्कुल जहेज की तैयारी की फिक्र नहीं करें, हमें कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए। आप अपने दिल का टुकड़ा दे रही हैं, यही कम है क्या? हमें बखूबी अंदाजा है कि बच्चों के माँ बाप पर कितना बोझ होता है, लेकिन आप लोग अपने आप को हर किस्म के बोझ से आजाद समझें। हमें कोई धूम धड़का नहीं चाहिए, हम बहुत सादगी से शादी करना चाहते हैं। समझ लीजिए कि कोई 25 एक मेहमान हमारी तरफ से होंगे, इतने को आप बुला लीजिएगा और शादी हो जाएगी सादगी से। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर ठीक है जैसे आप लोगों की मर्जी। शुक्रिया बहुत बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो तुम लोग क्या यहाँ बड़ों में बैठे बोर हो रहे हो? जाओ बातचीत करो। भाई एक मुलाकात की इजाजत तो मजहब ही देता है। जाओ बेटा, भाई को साथ लेके जाओ, घर दिखाओ। चलें तब्रेज़ भाई, आई विल शो यू अराउंड। माया तुम भी चलो ना साथ। ये हमारा रूम है। वाह। काफी सिंपल सा है और बाबा के हलाल की कमाई में यही बन सका। क्या मतलब? हम भी हलाल ही कमाते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। कहने का मकसद ये था कि आपके लिए हमारा रूम काफी सिंपल होगा, यू नो, मतलब आपके शायाने शान ना हो शायद। नॉट एट ऑल, बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल, माशाल्लाह।
अरे वाह, ये आपका है? नाइस। खैर ये बताओ कि मैं कैसा लगा? मुझे तो आप अच्छे लगे। और आपको? बस अच्छा। अपने होने वाले शौहर को सिर्फ इतना बोलोगी? अच्छा, नो कॉम्प्लीमेंट्स? कमाल है, शायद कोई। हाँ, हाउ क्यूट। ये किसने लगाया है यहाँ पे? मैं जब छोटी थी मैंने तब लगाया था। फेवरेट कैरेक्टर तुम्हारा? जी था। डिज्नी का? हाँ, कभी डिज्नीलैंड जाना हुआ? इट्स ब्यूटीफुल, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं मैं। वैसे हम लोग अपने हनीमून के लिए डिज्नीलैंड भी जा सकते हैं। हाँ, बड़े फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, चट मंगनी पट ब्याह और खट हनीमून। मैं ऐसा ही हूँ, दूर की सोचता हूँ। तुम भी जा सकती हो साथ। बहुत शुक्रिया, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो एक जबरदस्त डिजाइनर बनना है? हाँ, नाइस। भाई साहब आए थे आज। आप प्लीज मामू को मना कर दीजिए कि अब ये सब न लाया करें। वो पहले ही बहुत एहसान है उनके हम पे, कहीं ऐसा ना हो कि बोझ इतना बढ़ जाए कि हम उनसे नजरें तक न मिला सके। नजरें तो वो बेचारे नहीं मिला पा रहे। दुख महसूस शायद अनजान आदमी भी कर लेता है, असल बात दुख का मदावा करने में होती है, वो मामू नहीं कर पाए। अगले महीने शादी है, बता रहे थे काफी अच्छे लोग हैं। अच्छे नहीं, अमीर कहिए। मामू के सामने इंसान का वजूद बिना पैसों के छिलके बराबर हल्का है, इसीलिए तो हमें फूंक मार कर हवा में उड़ा दिया। ये मैं डिजाइनर्स का जोड़ा लाई। मैंने कहा जिसने पहनना है उसे तो दिखा लाऊं, वैसे भी घर की बात है, तकल्लुफ कैसा। बिल्कुल बेटा, वो सेट दिखाओ ना आंटी को जो हमने बनाए। वो ही दिखा रही थी, ये सेट। माशाल्लाह, जब माया ने मैट्रिक किया था तो इसके अब्बा ने इसके लिए बना के रख दिया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और ये चेन जब माया ने बीए किया तो हमने इसको गिफ्ट किया था। शहनाज, आपने अपनी सोने जैसी बेटी हमें दे दी, अब इन चीजों की क्या जरूरत है। नहीं, जरूरत तो होती है बेटियों के लिए। और ये चूड़ियाँ हैं, 12 चूड़ियाँ थी, 6 मैंने माया को दी हैं और 6 छोटी के लिए रखी हैं। अब देखे ना, पुराने जमाने का जेवर है, कितना भारी है, आजकल तो बस ऐसे ही बनते हैं जी। और 20 लाख हम लोग कैश दे रहे हैं माया को। अपनी पसंद से चीजें खरीद लेगी। वैसे मेरा तबरेज जो है ना, वो भी बड़ा शाह खर्च है, दोनों हाथों से पैसे लुटाता है, बाद में शॉपिंग कराता रहेगा।
अल्लाह नसीब अच्छे करे। और बेटा वो जोड़े भी तो दिखाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के दिन तो मुस्कुरा दें। और कुछ? गजरे तुम्हें इस रूप में देखने की ख्वाहिश मुझे हमेशा से थी। ये कभी नहीं सोचा था जब तुम्हें देखूंगा तो तुम किसी और की हो रही होगी। भूल जाओ, मुझे शायद किस्मत में नहीं लिखा था। किस्मत भी बदल जाती फिर मेरे हाथ की लकीर में पैसा होता। Thank you.
पुलिस आई है जरा। ऐसा लगता है घर की आधी रौनक कोई अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गया। खुशी के मौके पे आपके नाम नहीं करते। जब बेटी रुखसत होती है आंखें तो भर आती है। हाँ रीत चली आ रही है बरसों से। बेटी को पालो बरसो गैरों के हवाले कर दो। तसल्ली इस बात की है कि जहां मेरी बेटी गई है वहां राज करेगी राज। बेटी सुख का सांस ले चैन का निवाला खाए। उसके दिल से ना माँ बाप के लिए दुआ निकलती है। सुख का नवाला तो नाइल भी खिला सकता था उसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मामू मेरे रिश्ते से इनकार करते हैं। पैसों की वजह से हमेशा उन्हें अपना समझा था। उसके अलावा किसी लड़की का ख्याल भी नहीं आया मेरे दिल में। रोलो मेरी जान आज जितना रोना है रो। मना लो जी भर के अपनी मोहब्बत छिन जाने का मातम। मातम त्योहार नहीं होता जो एक दिन मना ले तो खत्म हो जाए। रोग है जिंदगी भर का जान लेगा तो जाएगा। नहीं मेरी जान ऐसा नहीं कहते। अकलौती औलाद है तू मेरी। अगर तुझे रोग लग जाएगा तो तेरी माँ तो जीते जी मर जाएगी। आपने शाजिया को देखा था कितनी बुझी बुझी से थी। और नाइल वो भी खिंचा था मुझसे। अगर मैं क्या करता उसकी खुशी के लिए मैं अपनी बेटी की खुशियां तो कुर्बान नहीं कर सकता था ना। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा भी कि नहीं। बहुत गहरी चोट लगाई है ना मैंने उसके दिल पे। चप चप दर्द उठेगा नफरत तो भरेगी ना उसके दिल में मेरे लिए। नहीं नहीं शाजिया और नाइल के खमीर में तो नफरत गूंदी नहीं है। हाँ लेकिन
जब हालात की तलखी और मेरी खुदगर्जी शामिल होगी तो जहर बन जाएगा वो। मीठे लहजे में बात नहीं कर पाएगा वो मुझसे। जिस औलाद के लिए दुआएं करते करते ये जबान थकती नहीं, उसे जीते जी मरता देखो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इख्तियार में नहीं है जी। जब ये दिल होता था ना सन्नाटा है वहां सड़क ही ना रहा हो कुछ जैसे। ये समझ में नहीं आ रहा ये चीज तो आपको मिली भी नहीं है उसके चिंता से कि तकलीफ इतनी ज्यादा क्यों हुआ। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों। बात बताए मुझे मेरी सोच के कोने में अब तक वही है कोने में वही है उसकी सोच की किसी कोने में मैं हूं। I'm so sorry. देर हो गई आते आते। तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? क्या हो गया? चेंज करो जाके। मुझे समझ में नहीं आता लड़कियां इतनी वजनी कपड़े पहनकर इतना सारा मेकअप करके इतनी ज्वेलरी पहनकर किस तरह घंटों बैठी रहती हैं। वैसे तुम लग बहुत हसीन रहे हो बहुत प्यारी। मुझे यकीन ही नहीं यार ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। इस तरह तुम मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी बैठी हो। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। कौन है वे? कौन है? दरवाजा खोलो तो प्लीज। क्या हुआ? अरे दरवाजा खोल यार। वो रीचा जरूरी काम में आ जाऊं ना। क्या ऐसा क्या जरूरी काम है? पुलिस आई है इधर आओ मुझे बात।
सब ठीक है? पुलिस क्यों आई थी? वो दो घर छोड़ के डकैती हुई थी, बस उसी चक्कर में पुलिस पहले थी। तुम क्यों परेशान होगी? क्या हुआ? इट्स ओके। अरे बैठो इधर, क्या हुआ? और भी प्यारी लग रही हो, डरी डरी सी। किसी खौफ सदा हिरनी की तरह मेरे दिल पर गजब ढा रही हो। और यूं आंखों का झुक जाना, वो आंखों का उठना, ये मुस्कुराना, शर्माना, चेहरे का सुर्ख हो जाना, वाह वाह, तुम सच में बहुत प्यारी हो माया। मासूम, तुम किसी का भी ख्वाब हो सकती थी, लेकिन मुझे ताबीज की सूरत में मिली। तो मैं भूल गई, छुपा के रखी थी। डायमंड रिंग है तुम्हारे लिए। अच्छी जी, अभी पहना दो। हाथों में जाकर ये अंगूठी और भी खूबसूरत हो गई है। बात तो बताओ जी। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें ऐसा शौहर मिलेगा, इतना शानदार घर, सब कुछ? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मेरे बाबा ने मेरे लिए कुछ ऐसा ही सोचा हुआ था। बहुत ख्वाब देखे थे उन्होंने मेरे लिए। उन ख्वाबों की ताबीर आपको दामाद की सूरत में पाकर उन्हें मिली। दरवाजा बंद कर। यही सो गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। नाश्ते की टेबल पे भी नहीं ज्वाइन कर सका आप। अरे ये घर है, कोई हॉस्टल नहीं है जहां पर नाश्ते की टेबल पे ना आने पे सवाल जवाब होंगे। कोई बात नहीं। कब तक यूं तस्वीर देखते रहोगे? मेरी मानो, चले जाओ। यही सोच रहा हूं मैं भी। सिमल, सिमल की बहुत याद आती है। और सिमरा, उसे भूल गए क्या? नहीं, भूला तो नहीं।
लेकिन जब जब उसे याद करता हूं ना, उसके आपके साथ की गई ज्यादतियां याद आ जाती हैं। मेरा बच्चा, देखो हमारी वजह से उसकी तरफ से दिल बुरा मत करो बेटा। देखो एक तरह से वो भी तो सच्ची थी ना, हम कोई तुम्हारे सगे थोड़ी हैं। और वो हमसे चिढ़ती थी, लिहाज में बात कर लेती थी, बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन तुमसे तो बहुत प्यार करती थी। नहीं मामा, आप मेरी अपनी हैं, मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं आप। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इंसान अपने बाएं हाथ से प्यार करे और दाएं हाथ से नफरत। क्या करूं काट के फेंक दूं एक हिस्से को। उसे अपना हक जताना तो याद रहा, लेकिन एक अच्छी बहू होने का फर्ज ना निभा सकी। तो है ना, क्या हुआ बेटा? कुछ बताओ तो सही। ओह माय गॉड।